पहले बताइए कल आप लोग कहाँ थे? हम लोग यहीं पर थे। और 26 से पहले भी आपका कैंप चालू? हमारा 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने से कंटिन्यूअसली। 25th का सिनेरियो बताइए, भीड़ कितना रहा? नो 26, 25th। 25th को तो काफी सारा, मतलब आज जैसा है ना वैसा ही था, इससे ज्यादा ही हो सकता है। फिर जो 26 को हुआ तो आप लोग आगे गए थे कि यहीं पे आपका? नहीं, हम साथ में गए थे। साथ में गए थे। क्या सिनेरियो था उसमें? क्योंकि वीडियोस जो आ रही है उसमें यही दिखा रहे हैं कि किसानों ने ट्रैक्टर जो है पुलिस वालों के चढ़ा दिया। हमने ऐसा मतलब कुछ भी नहीं देखा था वहाँ पे, ना कोई मतलब, हम नॉर्मल गए थे। बोले तो बेटर है, क्योंकि आवाज एक ही जाएगी इसमें। बोल दीजिए। हाँ, तो मतलब हम जब गए थे तो मतलब हमारे सामने ऐसे 2.5 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर तक ट्रैक्टर थी, फिर उसके बाद हम थे, और फिर उसके हमारे पीछे भी और ट्रैक्टर थे, मतलब हम हमारी एम्बुलेंस बीच में थी। तो क्या हुआ कि मतलब आधे लोग जब वहाँ पे, मतलब ऐसा हुआ कि मतलब जो रूट पुलिस ने दिया था उसमें भी बैरिकेड लगाए हुए थे उन्होंने, है ना। तो क्या हुआ जब मतलब जो फार्मर्स थे हमारे आगे वाले, वो जब मतलब बैरिकेड में, उन पे लाठीचार्ज हुआ और वो सब हुआ, तो ऐसा हुआ गया कि 3 ग्रुप्स हो गए। एक ऐसे आगे चले गए, फिर बीच में बैरिकेड लग गया, फिर मतलब कुछ लोग डाइवर्ट हो गए, फिर कुछ लोग मतलब वापस आ गए ऐसे। तो मतलब काफ़ी ऐसे केओस हो गया था। और ऐसा नहीं है कि मतलब मतलब जैसे मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जैसे वो दिखा रही है ना कि जैसे किसानों ने ऐसे वो किया है मतलब आगे से, तो काफ़ी सारी वीडियोस ऐसे भी है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसान ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं और उन पे पुलिस डंडा मार रही है और ऐसे ना। तो मतलब जो दो साइड की स्टोरी है वो, लेकिन एक तरफ से दिखाई, हाँ, तो वो मतलब पूरा ही एक ऐसे नैरेटिव बनाया जा रहा है जिसमें ऐसा लगे कि मतलब अगर अब देखो कि ऐसे 20,000 लोग अगर रास्ते में थे तो उसमें से 50 लोग मतलब अगर अब बाहर से आए कि क्या है, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, पर उसके वजह से मतलब पूरे प्रोटेस्ट को डिफेम करा जा रहा है, जो कि काफ़ी गलत है मतलब, क्योंकि क्योंकि मतलब पिछले 2 महीने से हमने यहाँ जितना देखा है, मतलब इन लोगों ने मतलब इतने ठंड में ये लोग यहाँ पे है, ये लोग सारे लोगों को खाना खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं इतने पीसफुल तरीके से, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सब नहीं दिखाया गया पिछले 2 महीने में। जैसे ही 26 जनवरी में कुछ हुआ है ना, वो मतलब वो पूरा ही एक ऐसे डिफेमेशन वाला मतलब नैरेटिव दिखा रहे हैं, तो वही है। और 26 को आप जब गए, एक मतलब इसको सिंपल में, आप सेफ फील कर रहे थे रिटर्न आने तक भी? नहीं, मतलब बात ये है कि देखो हमारी तो ड्यूटी है ना, तो हम मतलब ये सोच नहीं सकते कि मतलब डर नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। लेकिन माहौल ऐसा था कि मतलब बाद में जब ITO पहुंचे हम, तो वहाँ पे मतलब ऐसा था कि काफ़ी ऐसे दुखदायक माहौल था, है ना। और ऐसा था कि मतलब जब लाठीचार्ज वगैरह हुआ काफ़ी छोटे लगी, एक ऐसे थे अंकल जी 70-75 साल के होंगे, उनका सर ऐसे ऊपर से ऐसे पूरा फट गया है ना, तो उसकी वीडियो भी है हमारे पास, हमारे ही कलीग है। मैं उस तरफ आ जाता हूँ, अगर लोग आ रहे तो दिक्कत नहीं। हमारी कलीग है डॉक्टर संदीप, उन्होंने ही उनको मतलब सूचर किया था और ऐसे किया था। फिर और काफ़ी सारे लोगों का मतलब ऐसे उनको हाथ में लगी, पैर में लगी। कल एक लड़का था यहाँ पे दलजी, तो उसके कान में ऐसे बहुत बड़ा जख्म है ऐसे ना, तो काफ़ी सारी चोटें लगी है मतलब, जो मतलब देखी गई है। और रात को भी आप लोगों की टीम यहीं पे रुकती है? कल रात नहीं, कल नहीं, नहीं वैसे नहीं नहीं, रात को मतलब क्या होता है कि हम वापस चले जाते हैं 9-9:30 बजे, और दवाइयाँ वगैरह इधर ही रहती है। लेकिन कल रात को ऐसा था कि काफ़ी ऐसे टेंस माहौल हो गया था, तो हम यहाँ पे रात को 3 बजे तक थे कल रात। हाँ, 26 की रात को माहौल कैसा था? जैसे रिटर्न आ गई थी परेड जो है, वो सब जो हुआ वो जाने देते हैं, उसके बारे में दोबारा नहीं सुनूंगा मैं, सॉरी सुनना पसंद नहीं करूँगा, एक बार बोल चाहिए रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। 26 की रात को जब लोग रिटर्न आए यहाँ पे, तो आते ही लोग वापस जाना शुरू हो गए थे कि बैठे थे यहाँ? नहीं नहीं, आते ही नहीं वापस जाना शुरू हुए थे। क्या हुआ कि 27 को यहाँ की बिजली काट दी थी गवर्नमेंट ने ना, ये पता है आप लोगों को? ये नहीं, हाँ है ना, तो 27 को बिजली काट दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पानी का सप्लाई बंद कर दिया, तो मतलब डराने की कोशिश करी गई बहुत ज़्यादा ना कि खाली कर दो और ऐसे, तो लोग जाना मतलब जाने लगे फिर 27 से। फिर मतलब कल देखा गया कि फिर इन्होंने जनरेटर वगैरह का वो किया इंतज़ाम, तो अभी तो पानी वगैरह फिर से आ रहा है। लेकिन ऐसा हुआ था कि 26 के बाद मतलब ऐसा सडनली ऐसा हो गया था कि बिजली भी काट दिया, इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि जो पहले भी ऐसा हो चुका है ना, जैसे JNU वाले मामलों में लास्ट ईयर आपने देखा, और फिर ये जो BCA वगैरह, तो हर प्रोटेस्ट में ऐसा हो रहा है कि वो पीसफुली चला जा रहा है, फिर कोई 5-10 लोग घुस के वो पता नहीं किसके लोग है अब
मतलब बाहर के मिस्क्रिएंट्स है कि उन्हीं के भेजे हुए लोग है, पता नहीं उसमें एक तो है, हम कह सकते हैं उसको, बिकॉज उनका जब प्रधानमंत्री के साथ फोटो मिलता है, अमित शाह के साथ फोटो मिलता है, तो हुआ कल भी ऐसा हुआ कि कल जब यहाँ पे मतलब पुलिस बहुत सारी आ गई थी ना, तो क्या हुआ कि एक 10-15 लोगों का एक ऐसे मोर्चा टाइप का था जो उधर पीछे मतलब ऐसे ऐसी वाली मतलब हेट्रेड वाली जो चीजें होती है ना, मतलब अंदर की हाँ, नहीं उधर नहीं बैरिकेड के अंदर थे, अंदर हाँ अंदर उधर मतलब जो डाउनवर्ड्स जाओगे ना आप तो उस तरफ मतलब वहाँ पे थे 10-15 लोग थे, वो बोल रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लात मारो हम तुम्हारे साथ है ये सब ना, तो जो ये मतलब ये पूरे देश में जो ये हेट्रेड फैलाने का जो एक एजेंडा है ना कि मतलब कभी आप किसी को मुस्लिम बोल दो कभी खालिस्तानी बोल दो, की बात ये है हाँ। अब हम आ रहे थे ना, हमको पहले तो आने नहीं दिया जा रहा था, चेकिंग हो रही थी, आईडी कार्ड चेक हो रहे थे और वो लोग 10-15 अंदर आके घुस गए हाँ, कल आए थे और आज भी हमने सुना कि सिंगू में लोग ऐसे जाके पत्थर मार रहे हैं फार्मर्स में और पुलिस ने कुछ नहीं करी है ना, जैसे अभी हम आए तो मतलब हमारी गाड़ी आई कार्ड दिखाने के बावजूद भी अंदर नहीं आने दे रहे थे है ना, तो हम ऐसे जंगल के रास्ते से घूम के दवाइयां वाले वगैरह का बक्सा लेके सब लेके आए है ना, लेकिन अब पता नहीं कि मतलब ऐसे मिस्क्रिएंट्स कैसे अंकल दवाई ले लो हाँ आप दे दो कोई ना दे दीजिए फिर आप बात कर लेंगे, मुझे था वो झंडा फहराया, कौन सा काम है अपना, मैं पता काम है, कौन सा पता निवाड़ी का ये बात रेवाड़ी हाँ रेवाड़ी और टीवी दिखा है, टीवी दिखा तो दिखा, अरे वो टीवी ना दिखा ये ना दिखा बस शाम के लेना मैं कर मुद्रा बहुत बड़े करा ना सारे लोग के लिए मैंने कहा मुद्रा बहुत बड़े करा तुम 10 दिन दिखाओगे हम क्या नहीं करा बढ़िया तो तुम नहीं दिखा मेरा मुंह भी गोली ले लीजिए बाद में बात करें पीछे आता हूँ आपसे बात करें ठीक है, ले लेना सोने से पहले दांत तो अभी परेशान नहीं कर सकते, दर्द में ये आराम दे देगा है ना, अभी दांत में तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा ना देखने के लिए, ये ले लेना दवाई पानी से ठीक हो जाएगा, दो और दे दो, अरे इतनी बहुत है हो जाएगा उतने में आराम मिल जाएगा, हो जाए अंकल दोबारा आके ले लेना, खत्म हो जाए तो दोबारा हाइड हो जाइए, दिक्कत दे देगी खराब कर देगी, हाँ एक बार में एक लेना हम लोग कहाँ पे थे, एक बार में एक ही लेना है। अंदर एंट्री करने के ऊपर थे मतलब हाँ। ये खैरानी की बात है, हम लोग जब आ रहे थे और हमें भी बाद में जब हमने कैमरा ऑन किया तो उनको देखा हाँ, कैमरा वैमरा लिए तो अंदर जाने, सिर्फ कार्ड देख के अंदर नहीं जाने दे रहे थे, कौन है मोदी के हाथ में ये मोदी के हमें, चलो ठीक है जनवरी का अब क्या लग रहा अपना ट्रैक्टर कड़े जो बताओ ट्रैक्टर कड़े अपना दूसरे के ट्रैक्टर में आए भाई, अच्छा फिर वो भी कड़े आप सुते कड़े उड़ा कर सुते कड़े उड़ा के आप इंटरव्यू करेंगे सारा का काम के लोगों का, आप जहाँ सो रहे हो आएंगे आप चलो उधर आ रहे हैं ठीक है, चलो आप बात करके आपके पास आ रहे हैं ठीक है ठीक है, बिल्कुल नीचे आ गए आप पहुँचे आते हैं हम लोग उधर आके बात करेंगे उधर आके हाँ हम भी चलेंगे जेल में आपके साथ चलेंगे, चले जाइए हम आते हैं वहाँ पे गर्म पानी पियो उसमें ना या तो पी क्या है या फिर दर्द ज्यादा हो गया उनका, नमक और चीनी डाल लेना या तो गर्म पानी ठीक है, क्या करें एक मिनट हाँ, तो कल जब वो लोग आ रहे थे अगर आप परेशान होने लगे तो बता दीजिएगा हम कट कर देंगे, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, जब वो लोग आ रहे थे यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे उस वक्त बाद में ये भी खबर आई मतलब स्टेज तक तो नहीं आ पाए ये लोग काफी सारे ज्यादा है पर पुलिस ने उनको नहीं रोकना समझा जरूरी समझा, हाँ मतलब पुलिस तो नहीं पुलिस के सामने सामने ही वो बोल रहे थे ये रहा ना एक वो दे देना
हाँ, तो पुलिस के सामने सामने ही, मतलब वो पुलिस के पास जाके बोल रहा है कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम दोबारा साथ हैं, है ना, और पुलिस कुछ नहीं बोल रही और कुछ भी नहीं। आज उनका नारा अलग था, हमने पीछे ही रिकॉर्ड किया था, 60-70 लोग थे, बोल रहे थे मोदी जी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ। हाँ, मतलब वही बात है, सेम ही बात है, वही कर रहे हैं। अच्छा, तो रात को फिर यहाँ पे रह गए थे, मोटा मोटा 1000 के आसपास लोग होंगे यहाँ रात को? तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, मतलब हम जब जा रहे थे ना 3:30-3 बजे के करीब, तब भी बहुत लोग आ गए थे। और उससे पहले कम हो गए? उससे पहले, मतलब जैसे जब पुलिस आ गई थी ना गिरफ्तार वगैरह करने और टिकट जी मतलब बता रहे थे, उस टाइम पे 1000-1500 लोग ही थे बस, है ना। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए थे। नहीं 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 हुए ना वो, चले मतलब पुलिस फिर उधर पूरे उस वाले रोड में सारी खड़ी थी पुलिस। आर्मी अंदर तक आई थी? नहीं, इधर यूपी पुलिस थी उधर, और आर्मी वगैरह भी मतलब उस तरफ ही थे सारे, और पीछे की तरफ। आज जो भीड़ देख के अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब कल क्या हुआ कि हम आए और फिर ये पूरा खाली था, तो फिर मतलब ऐसे दिल सा टूट गया कि मतलब इनको ऐसे ना, मतलब इतना संघर्ष कर रहे हैं 2 महीने से, और फिर ऐसे दिल टूट के अगर वापस चले जाए, है ना। तो फिर उसके बाद जब आप आए, मतलब कल 3 बजे छोड़ के गए थे, और तभी भी जब लोग आ रहे थे तब मतलब ऐसे थोड़ा इनका भी मनोबल बढ़ रहा था। तो मतलब कल आपने टीवी देखा फिर घर पे जाके? नहीं यार, मैं ना ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखती क्योंकि मेरे को गुस्सा आता है तो नहीं देखा मैंने। और वैसे भी ऐसी बात है कि मतलब थक जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता, जितना टाइम मिलता है उतना तो चलिए अच्छा, दिमाग में जितना कम नफरत जाए। हाँ, वैसे तेजस्विनी चौधरी। तेजस्वी जी। और आपका? ज्योति पांडे। शुक्रिया, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।